हाय अभिषेक जी, हेलो वेलकम. हेलो, वेलकम टू लव इज कैंसर एंड जेन ऑनकोडॉट आई ओ. दिस इज अ कैंसर हीली जर्नी टॉक्स वेयर वी इनवाइट स्पीकर्स हु हैव गॉन थ्रू कैंसर, मे बी एज पेशेंट्स, केयर गिवर और वॉरियर्स लाइक यू हु हैव बीन थ्रू दिस जर्नी एंड नाउ केम ब्यूटिफुली एंड शेयरिंग देयर जर्नी टू इंस्पायर अदर कैंसर पेशेंट्स एंड केयर गिवर्स. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस. इट्स अ प्लेजर टू हैव यू विद अस. प्लेजर इज ऑल माइन. Could you please introduce yourself and share your journey with us? Yes, I'm Abhishek Tripathi. I'm 25. I live in Ahmedabad. It all started in 2011. मतलब मेरे 10th के boards just खत्म हुए और मैंने cricket coaching camp join किया और 3 महीने का जो summer vacation था उस बीच जो मेरी ये कैंप था बहुत वो काफ़ी स्मूथ और काफ़ी अच्छा रहा. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी और मतलब कभी ऐसा कुछ ऐसा लगा नहीं कि मुझे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है. पर जैसे ही मेरे 10th बोर्ड्स के रिजल्ट्स आए और मैंने जूनियर कॉलेज में एडमिशन लिया तो उस टाइम पे एक्चुअली अहमदाबाद से गांधीनगर मुझे जाना पड़ता था तो वैन के थ्रू जाता था. तो वैन में जाना मेरे लिए बहुत एकदम मुश्किल हो गया था. मतलब नोजिया का प्रॉब्लम, वॉमिटिंग जैसा होना. तो रोज़ मतलब मैं कुछ गोली वगैरह लेके चलता था कि ये प्रॉब्लम ना हो. तो ऐसे ऐसे 1 महीने तक चला. और स्कूल में भी मतलब मैं पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छा था, फिर भी मेरा स्कूल में ऐसे पढ़ने में मन नहीं लगता था. तो ये प्रॉब्लम धीमे धीमे बढ़ती गई. फिर अचानक से एक दिन मुझे डायरिया और फीवर वगैरह स्टार्ट हो गए. तो हमने सोचा कि ठीक है, मतलब थोड़ा 1-2 दिन जैसा उसको नेगलेक्ट किया. लेकिन मेरी बड़ी मौसी जी हैं, वो मेरे जस्ट बगल में रहते हैं, तो उन्होंने मेरी कंडीशन देखी कि कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है. तो वो और पापा लेके मुझे यहाँ पे लोकल रेलवे हॉस्पिटल में लेके गए, क्योंकि माय फादर इज सर्विंग इन इंडियन रेलवे. तो लेके गए वहाँ पे. तो वहाँ पे जब गए तो डॉक्टर ने पहले रिपोर्ट्स कराई, CBC वगैरह. तो वहाँ पे रिपोर्ट्स में कुछ मेरे WBC में इंक्रीज था. तो डॉक्टर ने तुरंत एडमिट कर लिया और फीवर मतलब कंटिन्यूसली था ही, मतलब कम नहीं हो रहा था फीवर. तो डॉक्टर ने एडमिट कर लिया. अब वहाँ पे एडमिट होते होते मुझे बहुत कॉम्प्लिकेशंस हुए, जैसे डायरिया, वॉमिटिंग, फीवर, ये सारी प्रॉब्लम्स होती थी. और जब CBC वगैरह होते थे तो WBC मेरा 53,000 तक पहुँच चुका था, जो कि बहुत ही सीवियर इन्फेक्शन बोला जाता है. तो और प्लेटलेट्स और हीमोग्लोबिन कॉन्स्टेंटली डाउन हो रहे थे. तो एक दिन तो ऐसा हो गया कि प्लेटलेट्स 1,000 तक पहुँच गया. तो सारे हॉस्पिटल के जो स्टाफ वगैरह थे और जो पैथोलॉजिस्ट वगैरह थे उनको शॉक लगा थोड़ा. तो फिर वो उसी 1-1.5 घंटे बाद फिर उन्होंने वो चीज़ की CBC की, तो उसमें भी 3,000 हुआ. तो फिर डॉक्टर ने तुरंत ही मतलब बोला कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा, मतलब प्लेटलेट्स चढ़ाने पड़ेंगे. तो 2-3 दिन यहाँ पर प्लेटलेट्स चढ़ाए गए. फिर डॉक्टर ने और भी सारे टेस्ट किए, एक्सरे किया, फिर इको वगैरह किया, फिर ये रेनल फंक्शन टेस्ट, किडनी का, वो सब चीज़ किया. किडनी में थोड़ा सा स्वेलिंग जैसा था, तो डॉक्टर ने बोला कि स्वेलिंग की वजह से तो ये प्रॉब्लम नहीं हो सकती, इसका कोई बहुत बड़ा मेजर इश्यू है. तो डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि आप बॉम्बे जाओ. हमारे पास 2 ऑप्शन थे, अहमदाबाद में GCRI और बॉम्बे, क्योंकि रेलवे का टाई अप दोनों से था. तो लेकिन जब हमारे जो डॉक्टर थे वो मतलब फैमिली डॉक्टर की तरह थे, मतलब हमारी पूरी फैमिली को वो जानते थे. तो उन्होंने पापा को बुला के समझाया कि GCRI पे मुझे इतना भरोसा नहीं है, मेरे हिसाब से आपको बॉम्बे जाना चाहिए. तो फिर एक दिन आया डॉक्टर और मेरे को बोला कि बॉम्बे जाने की तैयारी करो. तो मैं तो उस टाइम पे मतलब 16 साल की उम्र थी मेरी, 16 ईयर्स में मुझे कुछ पता नहीं चलता था. तो मैं तो खुश हो गया, मतलब चलो बॉम्बे जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, फिर वहाँ पे थोड़ा बहुत घूम लेंगे. तो
वो फर्स्ट टाइम भी था मेरा बॉम्बे जाना, तो मैं बोला चलो ठीक है जाएंगे। तो गए मेरे मौसा जी, सबसे छोटे वाले मौसा जी, मेरे पापा और मैं, हम तीनों बॉम्बे गए। वहाँ के रेलवे हॉस्पिटल्स में कुछ दिन रहे, तो उधर भी मेरी कंडीशन थी वो डेटेरिएट होती जा रही थी, मतलब और ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तो मतलब एक टाइम का ऐसा आया कि फीवर के कारण मतलब मैं बॉडी से वो मतलब बेड पे ही मेरी बॉडी उछल रही थी, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था। तो सेकेंड डे ही डॉक्टर ने टाटा में मुझे रेफ़र कर दिया, क्योंकि टाटा में एक्चुअली एडमिशन वगैरह के लिए बहुत प्रॉब्लम रहता है। तो टाटा हॉस्पिटल गए हम लोग। तो मैं जैसे ही टाटा हॉस्पिटल पहुंचा था, मुझे तो पता नहीं था कि टाटा किसके लिए है, कैंसर स्पेशल हॉस्पिटल है वो, ये सब चीज़ें मुझे पता नहीं थी। मैं वहां पे गया, सब एम्बुलेंस वगैरह पे ये सब चीज़ें देखी, सब कैंसर रिलेटेड जो भी चीज़ें लिखी हुई थी वो सब चीज़ें मैं पढ़ रहा था, और मेरे को तो कुछ पता नहीं था कि मैं कहाँ आया हूँ और मतलब क्या हो रहा है मेरे साथ। तो जब मुझे डे केयर, वहाँ पे डे केयर में एडमिट किया गया, तो मेरे जस्ट मतलब जहाँ मैं एडमिट था, मेरे जस्ट बगल में एक वो लगा हुआ था, इन्फो का वो लगा हुआ था, मतलब कैंसर इन्फो लगा हुआ था। तो वो मैं जब पढ़ रहा था तो उसमें कैंसर के सिम्टम्स बता रहे थे, तो कैंसर के सिम्टम्स में जब एक एक करके जब पढ़ रहा था और मैं अपने बॉडी के ऊपर चेक कर रहा था, मैं अपने आप को मना रहा था कि ये सब सिम्टम्स तो नहीं है मुझे, तो मुझे ये तो नहीं हो सकता है। तो वो सब चीज़ें मैं मतलब फिर बाद में डॉक्टर ने बोन मैरो टेस्ट के लिए बोला। तो जब बोन मैरो के लिए गए, तो बोन मैरो हुआ, फिर 4-5 दिन बाद जब रिपोर्ट आई, तब डॉक्टर्स ने पापा और मौसा जी को बुलाया, मुझे नहीं बुलाया, अभी भी मैं बाहर ही था। तो उन्होंने उनको बताया पापा को, तो मतलब मेरे को उस टाइम पे भी नहीं बताया गया कि क्या है, क्या होने वाला है, कुछ पता नहीं चला। फिर डॉक्टर ने इमीडिएट बोला कि एडमिट करना पड़ेगा, तो तुरंत एडमिट किया गया मुझे। और फिर वहाँ पे आके जूनियर डॉक्टर जब आए मेरे पास, तब उन्होंने बोला कि आपको पता है आप कौन से हॉस्पिटल में हो? मैं बोला मुझे नहीं पता। तो उन्होंने बोला कि आप कैंसर हॉस्पिटल में हो। तो मेरे को थोड़ा बहुत शॉकिंग लगा, तो मैं बोला ठीक है कैंसर हॉस्पिटल में है तो क्या हो गया। तो फिर उन्होंने बोला कि आपको एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया है, ए टाइप ऑफ ब्लड कैंसर, उन्होंने ये बोला। तब मेरे अंदर थोड़ा सा वो लगा, लेकिन उसके बाद उनका जो स्टेटमेंट था कि आप 8 महीने एक नॉर्मल ट्रीटमेंट के थ्रू गुजरेंगे, उसके बाद आपकी लाइफ फिर से नॉर्मल हो जाएगी। तो जैसे ही ये स्टेटमेंट आया, तो मेरे को थोड़ा सा अंदर से अच्छा लगा, मतलब ठीक है कि अब हो गया तो क्या कर सकते हैं। तो शुरुआत में तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस रहे ही हैं। 1.5 महीने 2 महीने तक सीबीसी में प्लेटलेट्स और हीमोग्लोबिन कॉन्स्टेंटली डाउन रहते थे, तो ब्लड ट्रांसफ्यूशन बहुत ज़रूरी मतलब ज़रूरी था, मतलब हर 2-3 दिन में मुझे प्लेटलेट्स वगैरह चढ़ाने पड़ते थे। तो टाटा का एक रूल है कि वो बाहर से ब्लड एक्सेप्ट नहीं करते हैं, मतलब वहाँ जाना पड़ेगा आपको, डोनर वहाँ पे जाना पड़ेगा, लेके जाना पड़ेगा, और फिर डोनर देगा ब्लड, फिर वो उसका यूज़ करेंगे। तो अब बॉम्बे तो हमारे लिए अनजाना शहर था, मतलब कोई किसी को जानते नहीं थे हम लोग। तो मतलब फिर पापा का एक्चुअली रेलवे के थ्रू जो लिंक थे, तो उनके थ्रू ये हेल्प मिल रही थी हमको कि हम बाहर से ब्लड प्रोवाइड करवा देंगे, लेकिन टाटा रेडी नहीं था एक्सेप्ट करने के लिए। तो फिर क्या हुआ कि यहाँ से मतलब पापा के जो कलीग्स है वो एक एक करके वहाँ जाते थे और ब्लड डोनेट करते थे। मतलब पापा के कलीग ने जो हेल्प करी वो मतलब उनका तो मैं बोल ही नहीं सकता, मतलब रेगुलर इंटरवल पे लोग जाते थे और ब्लड डोनेट करते थे। तो इस तरीके से 2-3 महीने मतलब 2-3 कीमो हो गए, तब तक ऐसा ऐसा रहा कि ब्लड हमेशा कम रहते थे, फिर धीमे धीमे रिकवरी स्टेज पे आए। तो उसी में बीच में जॉन्डिस भी हुआ, बाकी भी प्रॉब्लम्स हुई कुछ, तो वो सब चीज़ें तो मतलब मेरे को इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं किया। वो एक ट्रीटमेंट का प्रोसीजर में ही आ गया एक तरीके से, मतलब जॉन्डिस वगैरह हुआ मुझे पता ही नहीं चला, डॉक्टर ने जब ठीक हो गया तब बताया कि आपको जॉन्डिस हुआ था। तो वो सब चीज़ें फिर लेकिन सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हुआ बॉम्बे में,
कि टाटा हॉस्पिटल में रश बहुत ज्यादा था, मतलब अल्टीमेट, कि मतलब सुबह लोग 7 बजे के आसपास से लाइन लग जाती थी, और पेशेंट इतने होते थे कि वहाँ पे जो सीटिंग अरेंजमेंट थी वो सिर्फ पेशेंट के लिए थी, तो रिलेटिव्स वगैरह को खड़े रहना पड़ता था, और सुबह जाओ फिर शाम तक नंबर आता था। तो पापा का एक्चुअली मतलब वहाँ पे तो भी 8 घंटे तक खड़े रहते थे पापा, और मतलब पूरी जर्नी में मेन मेन जो जिसने मतलब मेरे को सपोर्ट दिया वो सिर्फ पापा थे। वो 8 घंटे खड़े रहने के बाद फिर घर पे आके मेरे लिए खाना बनाना और फिर मेरी और बाकी चीज़ों का ध्यान रखना, वो सिर्फ अकेले पापा ने किया, क्योंकि एक्चुअली मेरी मम्मी को उस टाइम पे सीवियर डिप्रेशन था, तो उस कारण वो उनको बताया ही नहीं गया था कि मुझे कैंसर है, तो वो चीज़ उनसे छुपाई गई। मतलब मेरा ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद भी 1-2 साल के बाद उनको पता चला, वो भी किसी थर्ड पार्टी से, मतलब किसी और इंसान से, तो वो सब चीज़ें उनको पता ही नहीं थी। तो उस टाइम पे सिर्फ अकेले जो सपोर्ट सिस्टम थे वो मेरे पापा थे, और मेरे भैया और एक मेरे बड़े पापा, ये तीनों जो थे उन्होंने बहुत ज़्यादा वो किया, सपोर्ट दिया मुझे। तो इसी इसी तरीके से पूरा जर्नी चला, और मतलब पापा को ऑलमोस्ट रेलवे के जो उनके कलीग्स थे उनसे भी बहुत हेल्प मिली ऑफिस वर्क में, तो वो सब चीज़ें भी मतलब नहीं भूल सकते। फिर मतलब उस टाइम पे मेरे दोस्त वगैरह तो थे, बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन कम्युनिकेशन का इतना ज़्यादा वो नहीं था, तो कभी कभार बात हो जाती थी दोस्तों से लेकिन इतना ज्यादा कांटेक्ट नहीं रहता था दोस्तों से, मतलब कोई एक्सटर्नल सपोर्ट नहीं रहा है मेरे पास, मतलब जो जो थे सपोर्ट वो पापा ही थे। और जहाँ हम लोग रहते थे वहीं पे मेरा एक फ्रेंड, मेरा एक फ्रेंड था मेरे जैसे ही था, मतलब मैं 16 ईयर्स का था वो 15 ईयर्स का था, उसका नाम देव माल्या था, वो उसको नॉन हॉजकिन लिम्फोमा था, NHL, तो एक्चुअली लेकिन उसके लिए ये हो गया था कि 6 मंथ्स के बाद उसको कुछ किडनी में सीवियर इन्फेक्शन हो गया था, तो डॉक्टर ने उसको मतलब बोल दिया कि अब आप घर पे लेके जाओ इसको, और तो वो भी चला गया 6 महीने बाद, फिर उसका अभी कुछ उतना आइडिया नहीं है मुझे। तो वो यही सिस्टम थी, बाकी टाटा के जो डॉक्टर्स थे मतलब स्पेशली उन लोगों को मैं वो देना चाहूँगा कि इतना इतना सपोर्ट किसी डॉक्टर्स का मैंने नहीं देखा, मतलब पेशेंट के मतलब कॉन्स्टेंटली कैंसर पेशेंट से डील करते हैं, लेकिन वो उनका कभी भी मैंने ये नहीं देखा कि किसी से उन्होंने रूडली बात की हो, कभी भी नहीं। बहुत अच्छे डॉक्टर्स थे टाटा के, और उसमें मेरी मेन डॉक्टर थी डॉक्टर रीना नायर, जो मतलब कभी भी मुझे बाहर में मिल जाती थी तो मतलब पूछ लेती थी कि कैसे हो अभिषेक। तो टाटा के जो डॉक्टर्स थे वो काफी अच्छे थे, तो इसी तरीके से मतलब मेरी जर्नी खत्म हुई। ऑलमोस्ट 10 मंथ्स के बाद फिर मैं जब मेंटेनेंस वाला जो टाइम आया उस वक्त मैं अहमदाबाद आया, और ड्यूरिंग मतलब जो मेरी कैंसर की जर्नी थी उस 10 महीने की, उसमें मतलब मैं काफी स्ट्रिक्ट डाइट पे था। हाँ, और एक चीज और भूल गया मैं कि मेरा एक्चुअली 10th जब मैंने खत्म किया था तब मेरे वेट 87 kg था, और विद इन 15 डेज मैंने 30 kg लूज किया, मतलब 87 से 57 kg, तो वो मतलब बहुत ड्रास्टिक लूज हुआ मेरा वेट। लेकिन जब मैं रिकवरी पीरियड में आया तो मैंने उतने ही वेट फिर से गेन कर लिया, तो 57 से मेरे को 87 होने में भी 6 मंथ जैसा लगा, लेकिन मैंने बहुत अच्छी रिकवरी करी, क्योंकि पापा मेरे डाइट का बहुत अच्छा ध्यान रखते थे, मतलब मुझे नौजिया वगैरह होता था, कीमो के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा, मतलब कैंसर ऐसा है कि कैंसर से जितना दर्द नहीं होता उतना ज़्यादा कीमो से दर्द है, मतलब कीमो के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो ज़्यादा परेशानी देते हैं कैंसर पेशेंट को रादर देन कैंसर। तो वो उस टाइम पे मुझे खाने की इच्छा नहीं होती थी, कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होती थी, फिर भी पापा डांट गुस्सा करके जबरदस्ती खाना खिलाते थे, मतलब मेरा डाइट का प्रॉपर ध्यान देते थे, अगर मैंने किसी दिन खाना नहीं खाया तो दो दो ग्लास दूध पीना पड़ेगा जबरदस्ती, इस तरीके से मेरे मतलब खाने में कभी मुझे ये नहीं हुआ कि मैंने किसी दिन
खाना नहीं खाया हो, तो वो इस तरीके से पापा ने मतलब प्रॉपर मेरा ध्यान दिया। और मैं ये समझता हूँ कि मेरी रिकवरी के लिए ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मेरा डाइट काफ़ी अच्छा रहा, और टाइम टू टाइम पापा ध्यान रखते थे कि जैसे हम लोग हॉस्पिटल भी जाते थे तो सुबह 8 बजे से 4 बजे तक वहीं पे रहना पड़ता, तो खाने वगैरह का इतना वो नहीं रहता था। वो पापा कभी खुद नहीं खाते थे, लेकिन मेरे लिए खाना बना के ले जाना या फिर वहीं पे से कॉफ़ी वगैरह सूप वगैरह कुछ ना कुछ ऐसे लेके आके टाइम टू टाइम मुझे मतलब मैं खाली पेट नहीं रहता था। तो वो चीज़ें बहुत हेल्प करी जी। तो आपने अपना इमोशनल साइड कैसे मैनेज किया था? इमोशनल साइड एक्चुअली मुझे इतना ज़्यादा कोई मतलब इतना ज़्यादा कुछ वो नहीं था कि मुझे कुछ कि कैंसर की वजह से मुझे कुछ वो है। इमोशनल साइड ऐसा ही था कि जैसे शाम को कभी आना तो वहाँ पे एक तो बॉम्बे में टीवी वगैरह नहीं था, तो स्पेशली पापा ने टीवी का बंदोबस्त करवाया, फिर डिश लगवाया, सब कुछ करा। हम लोग जहाँ रहते थे तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा मेरा बहुत बड़ा हो रहा, मतलब पूरे दिन में वही देखता था। तो मेरे मामा वगैरह ने विजिट किया था, जब मुझे देखने आते थे मामा, तो मामा बोलते थे तू पूरे दिन तारक मेहता देख के बोर नहीं होता, तो मैं बोला कि वही मुझे अच्छा लगता है। तो तारक मेहता मैं बहुत देखता था, तो वो सब चीज़ें हेल्प करी। फिर बाद में कई जो रिलेटिव्स आए वो वीडियो गेम लेके आए, तो मैं वीडियो गेम्स वगैरह खेलता था, फिर बुक्स वगैरह पढ़ता था। हाँ, और ये भी रहता था जैसे 10th के पहले ऐसा रहता था कि एक बच्चों के अंदर वो रहता ना कि होमवर्क वगैरह नहीं करना है मुझे, तो मैं जब मेरे दोस्तों से मैं बात करता था तो मैं उनको बोलता था कि अगर मेरे घर से कोई आ रहा है ना अहमदाबाद से यहाँ पे, तो उनको तुम्हारा होमवर्क दे देना, मैं तुम्हारा होमवर्क कर दूंगा। तो इस तरीके से मतलब मैं इतना वो हो गया था कि पढ़ाई से मुझे मुझे वो था कि कुछ पढ़ूँ मैं कुछ करूँ। मतलब पहले ऐसा लगता था कि क्या इतना होमवर्क करना है, लेकिन उस पीरियड में जब इतना लीजर टाइम था मेरे पास तो उस टाइम पे ये सब चीजें होती थी कि कुछ करूं। फिर ऐसे खेलते वगैरह भी थे, वो जो मेरा दोस्त था उसके साथ शाम को हम लोग कभी कभी क्रिकेट खेलते थे, तो इस तरीके से टाइम निकलता था। और फिर सामने जहाँ पे रहते थे हम लोग बैंड्रा सी फेस में, तो शाम को मतलब कुछ ऐसे ही हम लोग वही सी फेस चले जाते थे और थोड़ा बहुत वॉक करके घर पे आ जाते थे। तो मतलब हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के टाइम पे तो मतलब मोस्टली मेरे मेरी जिंदगी हॉस्पिटल में निकली, तो वो तो उसके अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं था कि हॉस्पिटल में। थोड़ा बोरिंग तो था बट क्या कर सकते हैं, तो हॉस्पिटल वाला फेज मतलब ज़्यादा टाइम मेरा हॉस्पिटल में निकला, बहुत कम था जो घर पे मैं रहता था। तो ये इमोशनल सपोर्ट मतलब अल्टीमेटली इमोशनल सपोर्ट मेरे पापा ही थे, और मेरे भैया थे वो मतलब कैथेटर वगैरह डाला था तो मुझे कभी कभार खाने में प्रॉब्लम होता था, कभी नहाने में प्रॉब्लम होता था, तो ये सब चीज़ें भी पापा करते थे, तो ये सबसे बड़ा इमोशनल सपोर्ट था मेरे लिए। हाँ अच्छा, तारक मेहता का भी और तारक का मतलब मैं इतना देख लिया था कि मुझे सारे एपिसोड याद हो गए थे तारक मेहता जी। वाह तो आपकी आफ्टर कैंसर लाइफ कैसे चल रही है अब? एक्चुअली कैंसर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, मतलब कैंसर से पहले मेरी लाइफ काफ़ी अनहाइजेनिक थी, मतलब क्रिकेट खेल के आता था, फिर कभी कहीं पे भी कुछ भी खा लिया मैंने बिना हैंड वॉश करे, कुछ भी ऐसे करके खा लेता था। तो मतलब ड्यूरिंग कैंसर कभी कुछ बाहर का नहीं खाया, इवन बिस्किट्स वगैरह भी नहीं खाए थे 1-2 साल तक। तो मतलब लेकिन जब कैंसर ये ख़त्म हुआ उसके बाद भी मैंने कम से कम 5 से 6 साल तक काफ़ी अपनी डाइट में मेंटेन किया, और मतलब मैंने हाइजीन देखा, अपने घर वालों को भी बताया ऐसे। एक्चुअली पापा तो सीख ही चुके थे कि किस तरीके की हाइजीन चाहिए, और फिर घर वाले भी सीखे, तो इस तरीके से मेरे पे भी इम्पैक्ट पड़ा और घर वालों पे भी इम्पैक्ट पड़ा। और मतलब वो बोला जाता है ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो कैंसर की जर्नी के टाइम पे भी मैंने बहुत प्रिवेंशन की है, और आफ्टर कैंसर भी मैंने ऑलमोस्ट 7 ईयर्स तक मेरा काफ़ी कंट्रोल वो रहा है लाइफस्टाइल, टाइम पे सोना, फिर टाइम पे उठ जाना, फिर कुछ अभी 1-2 साल से थोड़ा सा लाइफस्टाइल में चेंजेस आए हैं, बट आफ्टर कैंसर मतलब लाइफ मेरी टोटली चेंज हो गई। मतलब पहले मैं क्या था और अब क्या हो गया, लोगों को देखने का नज़रिया मेरा चेंज हो गया,
मतलब पहले पहले इतना वो नहीं रहता था किसी के प्रति, लेकिन जब कैंसर से मैं बाहर निकला ना, तो मतलब किसी को भी अगर मैं कोई चीज़ में तकलीफ में देख रहा हूँ, तो वो मेरे अंदर से एक अलग सा वो आ जाता है कि मतलब मुझे हेल्प करनी चाहिए। तो क्योंकि जब मैं हम टाटा में थे, तो उस टाइम पे काफ़ी ऐसे पेशेंट्स थे कि जिनको बाहर रोड पे सोना पड़ता था। तो ये चीज़ें मैं जब देखता था, तो मतलब उस छोटी उम्र में तो मेरे लिए बहुत वो धक्का जैसा होता था। तो वो लोग जहाँ सोते थे, तो उस रास्ते से फिर मैंने जाना बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे देखना वो पसंद नहीं था, मतलब वो लगता था मुझे। तो हम लोग दूसरे रास्ते से जाते थे। तो वो उस टाइम पे मेरे दिमाग में ये सब चीज़ें आ गई थी कि अगर मैं ठीक हो गया तो कुछ ऐसा तो करूँगा कि एटलीस्ट जो पेशेंट्स वगैरह हैं जो इस तरीके से बैठे हैं, उनके लिए कुछ हेल्प हो सके। तो अभी तो इतना कुछ है कर नहीं पाया हूँ, लेकिन बट अगर फ्यूचर में ज़रूर अगर कुछ ऐसा मतलब इतना स्टेबल हो जाती है मेरी ज़िंदगी, तो मैं ज़रूर कुछ हेल्प करना चाहूँगा। एक्चुअली यही मेरा मोटिव था कि जैन ऑनकोर से भी मैं इसीलिए जुड़ा था। डिम्पल दी का मैंने जो सेल्फलेस वर्क देखा है, वो उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया, मतलब अल्टीमेट, मतलब उनको हेड्स ऑफ करने का मेरा वो करता है। तो वो काफ़ी, एक डिम्पल दी भी काफ़ी इंस्पिरेशन रही, और लव इल कैंसर का भी बहुत अच्छा सपोर्ट है मेरे हिसाब से। आज भी उनकी जो सर्विसेज है, मतलब कोई मैच नहीं कर सकता है। तो यही मोटिव था कि मैं जैन ऑनको से भी जुड़ा, कि मैं किसी तरीके से हेल्प कर सकूं कम्युनिटी को। वाह, और आप कर रहे हो, आपकी जर्नी शेयर करके सबको जी बिल्कुल इंस्पायर कर रहे हो। जी। अब इंस्पायर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बट मेरी स्टोरी इसी मतलब कुछ भी, अगर कोई भी इंसान थोड़ा भी इंस्पायर हो जाता है मेरी स्टोरी से, तो वो भी एक मेरे लिए अच्छी बात है। बिल्कुल। तो अभी जो कैंसर पेशेंट्स और कैरेगिवर्स हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? सबसे पहले बात तो यह है कि जो अभी लोगों के अंदर परसेप्शन बना हुआ है कि कैंसर का सिनोनिम डेथ बना दिया, पहले भी था और आज भी कई लोगों के अंदर ये परसेप्शन है कि कैंसर का सिनोनिम डेथ है। तो वो सबसे पहली बात है कि वो चेंज करने की ज़रूरत है। जैसे बाकी बीमारियां हैं, उसी तरीके से एक कैंसर है। और ये मॉडर्न साइंस में इतना एडवांसमेंट हो गया है, जिसकी वजह से कि अगर कैंसर हम लोग बहुत जल्दी डिटेक्ट कर लेते हैं, तो वो क्योरेबल है। वो एक लाइन मुझे याद आती है कि वहाँ पे मराठी में लिखी रहती थी कि कैंसर से लवकर निदान वाचवेल प्राण। मैं हर जगह पढ़ता था, वो हर जगह लिखा रहता था कि दैट इफ कैंसर इज डिटेक्टेड अर्ली, इट इज़ क्योरेबल। तो वो सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर बस आपको ये रहता है कि आपको सही टाइम पे सिम्टम्स पता होने चाहिए, आपको सही टाइम पे एक्ट करना ज़रूरी है, उसको लेके उसको मतलब नेगलेक्ट करना सही नहीं है मेरे हिसाब से। कोई भी आपके सिम्टम्स अगर इस तरीके से आ रहे हैं, तो उसको नेगलेक्ट करना सही नहीं है। और इंटरनेट पे काफ़ी सोर्सेज हैं कि जिससे ये पता चलता है कि क्या 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 सिम्टम्स हो सकते हैं। तो अगर आप खाली कुछ भी अगर सिम्टम्स देख रहे हैं, तो आप अपने आप को इलाज खुद ना करें, रादर देन डॉक्टर को कंसल्ट करें। तो वो सबसे बड़ी चीज़ है कि ज़रूर कि कैंसर मतलब कोई इतना बड़ा हुआ नहीं है। हाँ, हो गया कैंसर और ठीक भी हो जाता है। तो ऐसे कई बहुत सारी स्टोरीज तो मैंने जैन ऑनको पे पढ़ी है कि 4 स्टेज से लोगों ने रिकवरी की है। तो वो तो लाइव एग्जांपल्स है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हाँ, अब जब लिखा है तो वो होना है, बट हमको उस टाइम पे पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी चीज़ है कि ड्यूरिंग जर्नी बहुत सारे ऐसे टाइम आते हैं जहाँ पे हम लोग ब्रेकडाउन हो सकते हैं। उस टाइम पे अगर हमारे अंदर पॉजिटिविटी रहती है, तो ये बहुत अच्छा होता है। तो पॉजिटिविटी को लेके भी एक मेरे मेरा एक इंसिडेंस बता रहा हूँ मैं, कि जब मेरे जो मौसा जी मेरे साथ गए थे बॉम्बे, तो उन्होंने मुझे जाते जाते एक बायो एनर्जाइजर कार्ड दिया था। वो एक्चुअली MR थे, तो एक बायो एनर्जाइजर कार्ड दिया था। उन्होंने बोला था कि ये नेगेटिव एनर्जी को दूर करेगा, आप हमेशा अपने पास रखना। तो मैं उसको हमेशा अपने पास ही रखता था। और वो ये उन्होंने ये भी बोला था कि ये 5,000 का कार्ड है, खोना नहीं चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है, तो मैं उसको एकदम पास में रखता था। और ड्यूरिंग जर्नी मुझे ऐसा कभी नेगेटिविटी आई नहीं। हाँ, एक दो कीमो के टाइम पे कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हुई, बट पूरे जर्नी में मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई। फिर अभी 2-3 साल पहले जब मैंने अपने मौसा जी को बताया कि वो वाला कार्ड मैंने आज भी रखा हुआ है मौसा जी,
तो उन्होंने बोला कि अरे ये कार्ड तो कुछ नहीं है, फालतू है ये तो, मतलब देखो ऐसे ही वो बनाने के लिए। तो मतलब उस किस तरीके से उन्होंने मतलब ये बताया कि किस तरीके से हम लोग अपने दिल को बुद्धू बना सकते हैं कि हाँ मतलब ठीक हो जाएगा सब ये, अब तुमने तुम्हारे पास ये है तो तुम्हारे पास नेगेटिव एनर्जी नहीं आ रही है। तो वो उस तरीके से मतलब हेल्प किया मेरे लिए, उस मेरे को इतनी ज्यादा नेगेटिविटी नहीं आई। दिल को बुद्धू बनाना सीखो मतलब। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपकी जर्नी जान के, और आई एम श्योर जैसे मैं इंस्पायर हुई हूँ वैसे और भी सब होंगे जो भी आपकी जर्नी सुनेंगे। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए और आपकी जर्नी शेयर करने के लिए। प्लेजर मेरा हमेशा, और मैं स्पेशली डिंपल दी, किशन दिया, और स्पेशली मैं आपको भी मेंशन करना चाहूँगा कि जैन ऑनको के थ्रू मेरी आपसे भी मुलाकात हुई और आपकी स्टोरी भी काफी इंस्पायरिंग है। थैंक यू। अब आप सच में वॉरियर हो। मैं लोगों से ये भी कहना चाहूँगा कि मेरे से ज्यादा इंस्पिरेशनल स्टोरी आपकी है। मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, तो धन्यवाद। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। आपको भी।